राजस्थान हाई कोर्ट में दो बार एसोसिएशन है हमारी, दोनों बहुत प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन है, और दोनों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके सभी साथी इस विषय को लेकर के ज्ञापन देने आए हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट का और कहीं खंडन नहीं हो जावे। राजस्थान हाई कोर्ट का वकील समुदाय सन 1975 से इस बात के लिए खिलाफ है कि राजस्थान हाई कोर्ट की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा अखंडित हाई कोर्ट में ही है, और हम इसके लिए वकील होने के नाते मैं भी इस बात का पक्का विश्वास रखता हूँ और कृत संकल्प हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट का और खंडन नहीं हो। बीकानेर में जो एक बात आई, वहाँ CJI का यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के दौरान उनके मुंह से वर्चुअल बेंच या बेंच का मेरे हिसाब से कोई स्टेटमेंट नहीं था, परंतु कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है कि बीकानेर में कोई वर्चुअल बेंच स्थापित हो रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसी बेंच स्थापित होने का कोई स्टेटमेंट नहीं था, और ऐसा स्टेटमेंट है तो वो सही भी नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट पूर्व में जो खंडित हुआ उसको भी लेकर के वकील समुदाय सन 1975 से आंदोलनरत है, उसका विरोध कर रहे हैं, और भविष्य में राजस्थान हाई कोर्ट अखंडित रहे इसके लिए हम सब कृत संकल्प है, और मैं वकील समुदाय के इस लिहाज से वकील समुदाय के साथ हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की तत्वावधान में हम हमारे प्रिय हमारे वकील समुदाय से, जो जोगाराम जी पटेल विधि मंत्री है राजस्थान सरकार से, है उनसे हम सब मुलाकात कर रहे हैं। और विषय जैसे कि आप अखबारों में और आपके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि बीकानेर में एक वर्चुअल बेंच स्थापित करने की जो अफवाह चल रही थी, और हमारे वकीलों में भी एक ऐसा विश्वास हो गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अगला एक खंडन और हो जाए, उस संबंध में हम आज मिले हैं। क्योंकि हमारा इसलिए इनके ऊपर अधिकार बनता है कि चूंकि ये वकील समुदाय से ही है और इनके दोनों बच्चे ही वकील ही हैं, और इसी क्षेत्र में इन्होंने जो भी आज ख्याति हासिल की है इसी समुदाय से, इसी वकालत, इसी व्यवसाय से की है। हम इनसे आज मिल रहे हैं क्योंकि ये स्वयं उस समारोह में उपस्थित थे विधि मंत्री के तौर पे। तो हमने हमारी समस्या बताई है, आगे जो रणनीति है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। मैं जो चल रहा है इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी ये चाहेगी कि हम इसका पॉलिटिकल माइलेज लें, लेकिन इस माइलेज के आड़ में हमारे वकालत का पेशा खराब हो रहा है। इस संबंध में चूंकि हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, इसलिए हमारा हक है इनके ऊपर कि सबसे पहले हमारे पैरोकार यही होंगे, अब विधानसभा में वो या केंद्र सरकार में।